आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को मथने में जुटी हैं। सूबे की आधी आबादी महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी का फोकस सबसे ज्यादा दिख रहा है। आज प्रियंका गांधी ने चित्रकूट के ऐतिहासिक मत गजेंद्र शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ संवाद में महिला सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के बारे में महिलाओं को अवगत कराया और कांग्रेस की महिलाओं के लिए ली गई प्रतिज्ञाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। आपको बता दें कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ संवाद किया और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर महिला अपने जीवन में संघर्ष करती है और लड़ती है, ये हम सैकड़ों साल से देख रहे हैं। अपने समय से रानी लक्ष्मीबाई अपने हक के लिए लड़ी, अपने देश के लिए लड़ी। आज जब आप खेतों में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, पाठशाला में भी पढ़ाती हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने बताया कि कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गई थी, मैंने सुना कि कुछ किसानों ने खाद की लाइन में लगे लगे अपना दम तोड़ दिया, कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसान परिवार के घर गई, उनके घर में कुछ भी नहीं था, वह लाइन में इसलिए लगे थे कि अगर लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो खेत में फसल अच्छी नहीं होगी। तो यही सब संघर्ष सब करते हैं। उनकी मृत्यु हो गई, जब मैं उनकी बेटी से मिली तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो सबसे मुश्किल तो महिला को ही होती है। वह माँ बेटी अकेले अकेले क्या करेंगी, जो कमाने वाला था वो तो चला गया। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, आप सब जानती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना कि दो किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा है और दो किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माताजी थी, कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे, खाद की लाइन में खड़े खड़े न खाना मिला न कुछ मिला, घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर खाद लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आई थी पहले, उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी वो थोड़ा संघर्ष करें, संघर्ष करते करते वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ वो बेटी अकेली अकेली क्या करे, जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार किसानों के मुद्दे हो या फिर महंगाई का मुद्दा, योगी सरकार को लगातार घेरने और आम जनता को बताने में जुटी है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बिसात बिछाने में जुटी है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको, सरकार कहती है एक सिलेंडर पकड़ा दो, एक मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं, नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएमडी खबर।